साथियों, वर्तमान समय में सूरतगढ़ रंगमहल रोड के नज़दीक हूँ मैं, और वीडियो में जो आप देख पा रही हैं ये जल का कटाव, यानी कि मिट्टी पे ये जो निशान बने हुए देख पा रहे हैं, ये गग्गर नदी का पानी इन डेरों में आके रुक गया था। और रुकने के बाद क्या है कि अब जो स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन ये 2.5-3 फीट पानी है वो खड़ा, और वैसे अगर मैं नापूं तो ये हो सकता है शायद 5 फीट की जगह हो सकती है, कम हो गया। कम होने का कारण है कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो समुंदर जो देख पा रहे हैं ये का बना हुआ राजस्थान के इन टिब्बों में जो कि नाली बेल्ट में पानी की निकासी शुरू कर दी गई है, और ये यहाँ इस तरह से जो कंडीशन बनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पानी काफ़ी लेवल पर भरा है, यानी कि इस पानी की हाइट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन आप ये मान के चलें कि इसकी हाइट जो है वो लगभग 15-20-22-25 फीट के आसपास की हाइट है बनी हुई है। और टोटल हम रिपोर्ट आपको देते हैं, हालांकि पानी एक लंबे समय से यहाँ खड़े होने के कारण क्या है कि प्रकृति ही प्रकृति को नाश कर रही है। जो कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं ये बबूल जो आप अभी ये देख रहे हैं बिल्कुल हरा है, लेकिन इसके साथ वाला जो बबूल है वो जल गया, यानी कि ख़त्म हो गया ज़्यादा पानी रहने से। और इस तरफ आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, प्रकृति ही प्रकृति को नष्ट करे जा रही है भाई। यहाँ तो चलते हैं अपने इसके किनारे किनारे, आज डेर में हूँ और इस तरफ आपको दिखाता हूँ। भाई गीली जगह है यहाँ तो, बिल्कुल पैर अंदर धस रहे हैं, मतलब यहाँ तक नमी है। ये देखो आप नमी, ये देखो आप। और वो सामने जो आप पेड़ देख पा रहे हो वो पेड़ बिल्कुल जल गया, ये देखिए आप। क्या दिखाता हूँ मैं आपको, और थोड़ा ऊपर चढ़ के भी दिखा देता हूँ ताकि आप स्पष्ट देख सकें, प्रकृति ही प्रकृति को नष्ट करे जा रही है। वो देखिए आप, ये पेड़ है वो बिल्कुल जल गया, क्योंकि पानी ज़्यादा मिला इसको, और पानी ज़्यादा मिलने से पेड़ हैं वो जलने स्टार्ट हो गए। और मैं वर्तमान समय में आपको जो जो दिया डेर, मियाना डेर, बोधिया डेर, टिलानिया, इन सब डेरों की अपडेट देता हूँ कि अब यहाँ पानी रुकने के कारण नुकसान जो हुआ है वो कितना नुकसान हुआ है, किस गति से हुआ है, कितनी स्पीड से हुआ है। हालांकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं वो देखें आप, जल गया। और यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं तो क्या है कि जगह नरम आ गई है, दलदल बननी स्टार्ट हो गई है, ये देखें आप, ये दलदल बननी स्टार्ट हो गई है, ये देखें आप ये पेड़। ये देखा, दलदल बनना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो पानी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आगे गहरी खाई कितनी है वो कन्फर्म नहीं है, और कब पैर नीचे धस जाए ये कन्फर्म नहीं है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो मैं तकरीबन पानी से 4 फीट दूर था तो ये स्थिति हो गई, तो सोचो अगर अंदर जाते तो क्या हाल होता। इसलिए पानी से उचित दूरी बनाए रखनी है, और प्रकृति किस तरह से नष्ट हो रही है, प्रकृति को प्रकृति किस तरह से मार रही है वो वीडियो में आप देख पा रहे हैं। सामने जितनी दूर आपकी नज़रें जानी है ये टिब्बे में पानी खड़ा है, राजस्थान के टिब्बों में। और इस तरह मैं आपको टिब्बे दिखा दूं भाई, ये इस तरफ देखें आप, ये पानी के एक अंतिम किनारे पे हूँ, यानी कि जो आपने गोवा की जो फीलिंग लेनी है, समुंदर की जो फीलिंग लेनी है, तो उस फीलिंग के लिए आप इस लोकेशन पे आ सकते हो। हम कल शाम को 5 बजे आसपास इस लोकेशन पे दोबारा आएंगे, और दोबारा आके आपको ये पूरा नज़ारा दिखाएंगे। और उम्मीद है उस समय यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा होंगे ये नज़ारा देखने के लिए, ये लुप्त देखने के लिए, क्योंकि देखो जो शहरवासी हैं उनके लिए ये प्राकृतिक आपदा है वो नज़ारे वाली है, क्योंकि उन्होंने तो आके देखना, फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनाना इत्यादि वो करना है। और ये यहाँ बहुत ही शानदार दृश्य है भाई, आप देखें। और पानी जो है बिल्कुल नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले, वो आपने गाना सुना होगा ना, तो उसी तरह से पानी का रंग भी है बिल्कुल वो नीला है।
और बिल्कुल वाटर फिल्टर हो चुका है। और ये पानी जब गगर नदी का तेज बहाव था, जब पूरी भरी हुई थी, उस समय पानी ये यहाँ तक था, जो कि आप ये निशान देख लें, ये यहाँ तक था, इस निशान तक ये पानी पहुँचा है। यानी कि यहाँ इतना जो आप दूरी देख पा रही हैं, इतनी है, वो पानी सूख गया है।